हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज थोड़ा करंट अफेयर्स लाने में देर हो गई है क्योंकि मैं गांव आ गया हूं और कुछ समस्या है इंटरनेट की। आप समझ सकते हो, घर पे होती है तो इसलिए। तो आज का ये 21 मई का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और आपको पता ही है, करंट अफेयर्स के साथ मैप और जीएस स्टडी भी हम लोग करते हैं। और ये हमारा चैनल है वनडे एग्ज़ाम पॉइंट, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर सारे वीडियो टाइम से और अपडेटेड आ जाते हैं। तो आपको अगर करंट अफेयर्स की PDF ख़रीदनी हो तो आप मेरे अमित सिंह आर्या इस आईडी से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कैसे पेमेंट करना है, डायरेक्ट पेमेंट करके भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर डायरेक्ट पेमेंट करके ले सकते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास, फेसबुक से बात करके और दूसरी जो है डायरेक्ट लिंक पर दबा के। इंस्टा मोजो का अकाउंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बी डे। बी डे मतलब मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी बहुत लोगों को अच्छा भी लगता होगा, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई, 25 मई, 31 मई या फिर 22 मई, बताइए। तो ये वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस जो है ये मनाया जाता है 20 मई को। और क्यों मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, बहुत ही उनका एडवांटेज होता है। और उनके एडवांटेज को सेलिब्रेट करने के लिए, आपको ये बात पता होगा, वो सोशल रिलेशनशिप को दर्शाने में बहुत हाई क्लास की सोशल रिलेशनशिप उनकी होती है। एक जगह रहते हैं, सबके सब मेहनत करते हैं, और मतलब उनका जो फंक्शनल बायोलॉजी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये है, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। और इसकी थीम जो है बी इंगेज्ड, मैंने यहाँ थीम भी लिख दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप आराम से, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे सारे के सारे PDF मिल जाएगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि PDF जो है मिलता नहीं रहा है, तो स्क्रॉल करते जाए, सबके सब PDF उस पर अवेलेबल हैं। तो इसकी थीम है बी इंगेज्ड। अब आइए मई महीने के कुछ जो इम्पोर्टेंट 20 तारीख के बाद है उसको हम लोग देखेंगे। 20 मई को आपने ये देख लिया। 22 मई को है बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है दोस्तों, 22 मई को। 31 मई को है एंटी टोबैको डे, ठीक है। अब आपके लिए आज का होमवर्क है, 1 मई से, ध्यान से सुनिए, 1 मई से 20 मई तक जितने भी मई के दिवस हैं सबको वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे आपका रिवीजन होगा, आप ऑटोमेटिक, आपको रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी और इसे 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में आते ही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना फ्री हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख जो है ये कोरोना फ्री हो गया है, एक राइट आंसर है। लद्दाख आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये कब बटा? तो 31 अक्टूबर 2019 को। इस दिन सरदार पटेल की जन्मदिवस है और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। सरदार पटेल से आपको क्या याद आता है? तो इन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट पे बिल पास हुआ था। अधिवेशन कौन सा था? तो अधिवेशन था 1934 का, ये आपको याद होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। और लाल बहादुर शास्त्री ये भी हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे, जो कि बनारस के रहने वाले थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। अब तो हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बटा तो इसमें अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो बने उनका नाम है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख जोन के जो बने उनका नाम है RK माथुर। और पुद्दुचेरी के जो CM है उनका नाम क्या है? वी नारायण सामी। मैंने कई बार बताया पुद्दुचेरी जो है 3 स्टेट में फैला हुआ है। पुद्दुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो 3 स्टेट में फैला है। दिल्ली में अभी पता ही है कोरोना का बहुत बुरा हाल, बहुत कहर पाया हुआ है, लेकिन दिल्ली भी एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है और इसे स्पेशल यूनियन टेरिटरी के तहत दर्जा भी दिया गया है 69th Amendment Act जो हुआ था उसके तहत। तो अब बात करते हैं, दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो आज हम लोग फिजिकल मैप इंडिया का देखने वाले हैं और तमाम सारी चीज़ों को रिविज़न करेंगे। तो आज हम लोग ऊपर देखेंगे और आपको पता ही है सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर में चाइना से काफ़ी तरफवारी हो रही है और बहुत गंभीर सिचुएशंस हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग। सबसे ऊपर जो आपको ये दिख रहा होगा K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
काराकोरम रेंज भी कहते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है जास्कर रेंज, जास्कर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, नंगा पर्वत है। ये जो है तीनों कहाँ हैं, तो जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नंदा देवी है उत्तराखंड में और नंगा पर्वत है इसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन यही होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, आपको पता है। अब जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा, उसका नाम है वूलर लेक, और डल लेक भी है श्रीनगर में, तो झेलम नदी के किनारे है डल लेक। अब दो नदियां और हैं, दो झील और हैं वहां पे, दोनों का थोड़ा सा चाइनीज टाइप नाम है। एक तो है पंगांग सो, पंगांग सो, और दूसरा है सो मुरोरी। अब मैप अगर आपके पास होगा तो वहाँ आप देख पाएंगे। ये दोनों नदियाँ, झील जो है, ये हैं लद्दाख में। अब भारत की सबसे नमकीन पानी की झील ये कौन है, तो ये है, क्या नाम है इसका बताइए, ये झील है चिल्का झील, और दूसरा है पुलिकट झील। तो चिल्का झील है उड़ीसा में, पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी के लिए इतना ही, फिर आगे वाले क्वेश्चन के साथ हम लोग और देखेंगे। भारत किस संगठन के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो कार्यकारी सदस्य मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो ये चुना गया है WHO का। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और इसका रिसेंट का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO के अभी रॉबर्ट एजुवेदो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। WHO के हेड का नाम है तेद्रोस अधानोम। तो आई होप इतना मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग उबते नहीं होंगे, आप लोग का रिविजन हो जाता होगा, तो ये अच्छी बात है। गोविंद राजुलू चिंताला, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बन गए हैं, गोविंद राजुलू चिंताला इज़ द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ये नए अपॉइंट हुए हैं। और किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि सर अगर किसी भी चीज़ का और इम्पॉर्टेंट फ़ोटो अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा, मुझे ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, जिसने भी दिया था वो बहुत बेटर सुझाव दिया है। कल से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि अभी मैं गाँव में हूँ तो इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उससे विजिबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा आपको क्लियरेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा कॉन्सेप्ट में। इस तरीके के सुझाव अगर आप लोगों के पास हो, कुछ नई डिमांड हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गोविंद राजुलू चिंताला ये जो हैं नाबार्ड के हेड बने हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, जो लोग निकला चाहते हैं लिख लें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982, ठीक है। अब बात करते हैं SBI और RBI। SBI की स्थापना हुई थी 1955 और RBI की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट में, इसकी बात की गई थी, और इसको जो है नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में, और स्थापना तो 1935 में हुई, राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। RBI से दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो आप क्या जवाब दोगे, उसका राइट आंसर है CD देशमुख, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी शक्तिकांता दास जो हैं ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। चलिए, थॉमस थबेन का निधन हो गया, वो किस देश के PM थे, तो ये थे लिसोथो के ये PM थे, तो लिसोथो जो है इसके, इनका निधन हो गया। और ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, लिसोथो कहाँ है, थोड़ा सा ये ऑब्स्क्योर दिखेगा, लेकिन ये है साउथ अफ्रीका, और इसी में जो रेड दिख रहा है इसके आसपास है लिसोथो। इसकी राजधानी है मसेरू, और इस सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछा जाता है, मैंने राज्य राजधानी पे एक अलग वीडियो बनाया भी है, उसकी वीडियो राज्य राजधानी और करेंसी की पूरी डिटेल में है, आप जाएंगे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं सबके लिंक मौजूद हैं, आपको जाना है उसमें, क्लिक करना है, आप देख सकते हैं जो भी आपके हैं, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिसोथो ये है, और यहाँ इसकी राजधानी मसेरू है। साउथ अफ्रीका की तीन राजधानियाँ प्रिटोरिया, केपटाउन और बोलेमफेंटेन। आपके लिए सवाल ये है कि कौन एग्जीक्यूटिव राजधानी है, कौन लेजिस्लेटिव और कौन जुडिशियरी, तीन तरह की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं।
अब बात करते हैं नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का है, यहाँ राजधानी क्या है बताइए, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। मेडागास्कर का राजधानी क्या है, अनंत नवीरियो, ये है मोजाम्बिक की राजधानी। अब आते हैं ऊपर इजिप्त, इजिप्त मतलब मिस्र हिंदी में, इसकी राजधानी है कायरो, और यहाँ है स्वेज नहर, स्वेज नहर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। यह है स्टेट ऑफ बाबल मंडेब जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के सारे कंट्रीज जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने चाहिए, जिनके भी मैंने नाम बताए। अब साउथ अफ्रीका को यूरोप से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन है, RTI हेल्पलाइन नंबर किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है पंजाब ने। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौर। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली का तो मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश का आपको पता है और आप कमेंट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन है आप बता सकते हैं। किस देश ने WHO को $2 बिलियन देने की घोषणा की है, तो ये देश है चीन, एक जो है वो राइट आंसर होगा। और बता दें चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग में दो हेडक्वार्टर है दो बैंकों का, एक तो है AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और KV कामत इसके जो प्रेसिडेंट थे, KV कामत ये इंडिया के पहले इंडिया की तरफ से ही प्रेसिडेंट थे, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। WHO को जो है चीन ने $2 बिलियन देने का घोषणा तो किया है, लेकिन किस देश ने घोषणा ये किया है कि रोकने की फंडिंग रोकने की घोषणा की है, अमेरिका ने। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो सी जिनपिंग हैं और ये आपको याद रखना चाहिए, सी जिनपिंग। अब बात करते हैं चीन का ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक लॉन्च हुआ है, ठीक है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP ये चीन ने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना चाहिए ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम का करेंसी है। तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का फर्स्ट मून मिशन है, क्या नाम है इसका, तियानवेन वन। नेक्स्ट है किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी को दिखा दिया है, काला पानी ये डिस्प्यूटेड प्लेस है, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ये है नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी जो है ये डिस्प्यूटेड प्लेस है, तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ ये काला पानी दरअसल है कहाँ। तो ये है आपको उत्तराखंड और ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर। तो ये है उत्तराखंड में काला पानी नामक जगह और ये डिस्प्यूटेड है भारत और नेपाल में। तो कुछ दिन पहले भारत ने इस काला पानी को अपने मैप में दिखाया था, अब नेपाल ने इसे अपने मैप में दिखा लिया है, तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक नेशनल पार्क है वहाँ पे, उसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले भारत का नेशनल पार्क था, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 17 मई को, 18 मई को, 19 मई को या 20 मई को, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया है 17 मई को। नेक्स्ट है इसराइल के 5वीं बार PM कौन बने हैं, तो इसराइल के 5वीं बार PM बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ये लिकुड पार्टी से हैं, किस पार्टी से, लिकुड, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के PM हैं, जनेजा जनसा ये स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बने हैं और सन्ना मारिन ये दुनिया की सबसे यंग PM लेडी हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे यंग PM लेडी। मैंने इसराइल का मैप आपको दिखाया था कल ही, आज भी मैं दिखाता हूँ, ये है इसराइल और इसराइल से इम्पोर्टेंट ये तेल अवीव जो आपको दिख रहा है, इस तेल अवीव स्ट्रीट का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है, टैगोर स्ट्रीट कहाँ बना है तो ये आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। इसराइल की राजधानी है यरूशलम, जेरूशलम या जेरूशलम जो आप कहिए, और यहाँ की जो करेंसी है वो है सेकेल और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है नेसेट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके तरह, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, मुझे पता है बहुत आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, और कमेंट भी किया कीजिए, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी बुक, ये फांग फांग के द्वारा लिखी गई किताब है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के बजट कितना करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 40,000 करोड़, और मनरेगा का नाम मनरेगा किया गया 2009 में और 2006 में ये एक्ट पास हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने वेतन का कितना प्रतिशत दान करेंगे? तो ये दान करेंगे 30%। पिछले दिनों में राष्ट्रपति से रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, तो अगर आपने पिछले दिन का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए आई बटन दबा के, या डिस्क्रिप्शन में, या आपको लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और लाइक करते हुए आगे बढ़ें। अभी अनीस सुजमान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो अनीस सुजमान जो थे ये एक लेखक थे, बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, तो इनका नाम याद रखना है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना पोर्टल ये बनाया गया है NDMA के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट करना है कि 16 में चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार की है? जो भी इसका राइट आंसर हो डिटेल में कमेंट करके बताइए। और लास्ट तक देखने के लिए वीडियो, थैंक यू सो मच।